तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को, जो कि आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये आपके यूनिट नंबर वन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका यूनिट नंबर वन खत्म हो जाएगा। और जो भी वीडियोज़ हैं वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, वही चीज़ें हैं। इसमें कह रहा है कि सर्टेन स्टेटमेंट और द फॉर्मूला और द थ्योरम पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल द एन बिलोंग्स टू एन प्रोवाइडेड। यानी इसमें कुछ पी ऑफ एन और एन वाले टर्म्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला देखना होगा कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। यानी एन इज इक्वल टू वन के लिए आपका ये ट्रू होगा, यानी पी ऑफ वन पे जो वैल्यूज हो गए वो क्या होंगे, ट्रू होंगे। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द ट्रू इट इज़ ट्रू फॉर एम एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। जब मान लीजिए कि n का वैल्यू m प्लस वन है, उस कंडीशन में भी अगर ट्रू होता है, वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू m पर भी इसका जो वैल्यू होगा वो ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें, तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। कह रहा है कि लेट p ऑफ n बी अ स्टेटमेंट और अ फार्मूला और अ थ्योरम डिफाइंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट p ऑफ वन इज ट्रू। एंड सेकेंड कह रहा है कि p ऑफ n इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ एम इज ट्रू, जब आपका पी ऑफ एम क्या हो, ट्रू हो। फॉर ऑल ए वन, एम का जो वैल्यू है वो क्या हो, एन और वन के बीच में हो। इज डैट क्लियर? यानी वन इज लेस देन इक्वल टू एम इज लेस देन एन, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। देन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एवरी पॉजिटिव इंटीजर। आइए हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, प्रूव बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसमें सबसे पहला है 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू फोर प्लस 3 इंटू फाइव प्लस एन इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 1 बाई सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस सेवन, और एन का जो वैल्यू है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो इस तरीके की चीज़ें आपको सामने रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे वन रख के पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला नंबर वन कहता है पी ऑफ एन पे वन वैल्यू रख के देखिए कि वो ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो वन हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ एन है, तो यहाँ पे आपका एन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वन पुट किया, तो यहाँ पे क्या आया, वन इंटू वन यहाँ पे पुट करेंगे तो वन और टू कितना होगा, थ्री होगा। तो वन इंटू थ्री इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वन बाई सिक्स। यहाँ पे आप वन पुट करेंगे तो वन इंटू वन प्लस टू, और यहाँ पे टू इंटू वन प्लस सेवन, जो यहाँ पे फॉलो किया गया है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि थ्री और थ्री दोनों सेम आपका वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ वन पे जो वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है। अब देखना है पी ऑफ एन प्लस वन पे वो ट्रू हो रहा है कि नहीं। एज्यूम पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम, यानी आपका ये एन है ये एम है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वन इंटू टू थ्री प्लस टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फाइव, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम एम पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एम पुट करके देखा, और जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे हमने अगेन क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में आपको पता है कि एन प्लस वन होता है, तो यहाँ पे एम है तो एम प्लस वन होगा। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, जो चेंजेस आपके सामने मौजूद हैं। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे, तो वन अपॉन सिक्स एम प्लस वन इंटू एम इंटू टू एम प्लस सेवन प्लस सिक्स इंटू एम प्लस थ्री होगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि जो आपका वैल्यू आ रहा है कहीं ना कहीं एम प्लस वन के लिए भी मौजूदा हालात में वो ट्रू ही है। तो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को क्लियर कर लिया, और आप इससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आई होप वीडियो सीरीज पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।